मॉर्निंग दोस्तों, कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय। पर क्यों कोलकाता को बोला जाता है दोस्तों सिटी ऑफ जॉय? क्योंकि यहाँ का जो लोग है बहुत दिलवाला और बहुत ही जॉयफुल। जनाब, कोलकाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी और ये दुनिया का सबसे लेस एक्सपेंसिव चीपेस्ट सिटी में भी काउंटिंग में आ जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ आप पूरा कोलकाता शहर को देख सकते हो, घूम सकते हो सिर्फ 100 रुपये में, क्या आप यकीन मानोगे? यस माई फ्रेंड्स, कोलकाता इतना सस्ता सिटी है, अगर आप लोकल के जैसे ट्रेवल करोगे, जैसे मैं ट्रेवल करता हूँ यूजुअली एज अ लोकल ऑफ कोलकाता, आप पूरा शहर को एक्सप्लोर कर सकते हो जस्ट विद इन 100 रुपीज। अभी मैं जिसका सवारी कर रहा हूँ गाइस, ये है लोकल वैन। यूजुअली इन डिफरेंट स्टेट दिस इज यूज्ड फॉर द कार्गो कैरिएज, मींस जो गुड्स है उसको इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। बट कोलकाता और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कोलकाता में, बंगाल में, ये वैन को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द यू नो जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल, पैसेंजर। तो मेरे घर के सामने है वैन स्टैंड, यहाँ से मैं जा रहा हूँ स्टेशन, और वैन का सिर्फ खर्चा है ओनली 10 रुपीज़। आप सोच सकते हो कितना नॉमिनल एक्सपेंडिचर में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हो लोकली। मैं पहुंच गया हूं मेरा स्टेशन और मेरे पास है ये 10 रुपये का नोट। तभी ये 10 रुपये का नोट मैं ये भाई साहब को देने वाला हूं, बिकॉज ये लोकल ट्रांसपोर्ट में बहुत ही फेमस है ये वैन, क्योंकि वैन से आप लोकली ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जा सकते हो 10-15-20 रुपये मैक्स टू मैक्स देके। सो कोलकाता चीपेस्ट सिटी ऐसे ही नहीं बोल रहा था, दिस इज वन ऑफ द रीजन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ही सस्ता है। तो दोस्तों, आई गॉट द रेल टिकट, ये टिकट का प्राइस पड़ा ओनली 5 रुपये। अनाउंसमेंट चल रहा है तो एक्चुअली ट्रेन का टिकट का कॉस्ट पड़ा ओनली 5 रुपये। 5 रुपये से मैं जा रहा हूँ दमदम। दमदम एक कोलकाता के बहुत ही पॉपुलर स्टेशन है, जहाँ से आप ऑल प्लेसेस कनेक्टेड ट्रेन आपको मिल सकते हैं, और मेरा ट्रेन भी शायद आ चुका है। यस माई फ्रेंड्स, माई ट्रेन ऑलरेडी अराइव्ड ओवर हियर। तो मुझको भी जाना है दमदम, वहाँ से मैं कैसे चीपेस्ट ट्रेवल करता हूँ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कोलकाता, वो भी आपको दिखाना है, आपको समझाना है कैसे ऐसे लोकल आप ट्रेवल कर सकते हो सिर्फ 100 रुपये खर्च करके। यही वीडियो दिखाने का पर्पज़ है। देखिए, अगर आप घूमना चाहते हो आप ओला उबेर कैब से भी ट्रेवल कर सकते हो, बट अगर पैसा बजट ट्रेवलिंग करना चाहते हो तो आपको दिस इज़ द फॉर्मेट्स यू हैव टू यूज़ इट। लोकल ट्रेन एक्चुअली आज ज़्यादा तो भीड़ भाड़ नहीं था, बट यूजुअली आज संडे है, बट दूसरे दिन इतना भी खाली खाली नहीं रहता है, क्राउड बहुत रहता है, बिकॉज यू नो इंडिया ये बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, और कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और बहुत ही खचाखच भरा हुआ शहर है। हर जगह पे आप कुछ मिले ना मिले आपको लोग मिल जाएंगे। तो जिससे ट्रेन में अभी ट्रेन से उतर चुका हूँ, यू कैन सी दैट नाउ आई एम गोइंग टू माई डेस्टिनेशन। सो अब तक मेरा खर्चा होगा ओनली कितना रुपीज़, ओनली 50, मीन्स 10 रुपये वैन में, 5 रुपये ओनली ट्रेन में। सो दैट इज़ वेरी चीपेस्ट। अभी 100 रुपये हम लोग का बजट है, बट 100 रुपये में सिर्फ 15 रुपये मैं खर्च कर पाया हूँ। तो देखते हैं आगे कितना खर्चा होता है कोलकाता को लोकली अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो गाइस। सो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो पैसा कम है, बट ट्रेवल के लिए आई डोंट थिंक यू नीड द ह्यूज मनी, यू नीड द इंटेंशन माई फ्रेंड। बिकॉज अगर आपका इंटेंशन ठीक है, घूमना चाहते हो आप, तो कोई ना कोई तिरकम, कोई ना कोई तो वे आप ढूंढ ही लोगे सस्ते में ट्रेवल करने के लिए। ट्रेवल करने का मतलब ये नहीं आप एक्सपेंसिव ओला उबेर बुक कर रहे हो, कैब ले रहे हो, आप ऐसे ही लोकल की तरह ट्रेवल कर सकते हो इन चीपेस्ट रेट। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में कहीं भी जाओ लोकल लोग ऐसे ही ट्रेवल करते हैं। दिस इज़ द
another mode of transport, इसको बोला जाता है रिक्शो. रिक्शो बेसिकली कोलकाता में दो टाइप का होता है, एक होता है ऐसे ही जनरल रिक्शो, दूसरा होता है हैंड पुल रिक्शो जिसको हाथ से खींचा जाता है. तो एक्चुअली ये भी बहुत ही लोकल फेमस ट्रांसपोर्ट है एंड लेस एक्सपेंसिव है. अभी मैं इस स्टेशन से निकल के, मैं हर स्टेशन से निकल के आपके साथ रिक्शो मिल जाएगा, रिक्शो भी वैन भी, आप किसी एक को पकड़ लो. पहले आया था स्टेशन में वैन से, अभी जा रहा हूँ स्टेशन से रिक्शो से. इसका फेयर कितना है अभी पता नहीं, कुछ जाकर डेस्टिनेशन में पहुँच कर मुझको भाई से पूछना पड़ेगा. सो देखते आगे आगे होता है क्या. सो मैं उतर चुका हूँ रिक्शा से. रिक्शा का मेरा फेयर लगा ओनली 20 रुपीज़. सो 15 और 20 मीन 35 रुपीज़ में आप एक बहुत ही लंबा चौड़ा डेस्टिनेशन आप क्रॉस कर सकते हो. सो अगर आप कोलकाता में आ रहे हो घूमने का प्लान कर रहे हो, एज आई एम शोइंग यू एज अ लोकल ऑफ कोलकाता, तो ऐसे आपको ट्रेवल शायद करना चाहिए. आप बड़े बड़े जो प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस लाइक विक्टोरिया, अपार्ट फ्रॉम दिस आप जा सकते हो इको पार्क, निको पार्क, ऑल दीज अदर प्लेसेस, वहाँ पर भी आप जा सकते हो. बट अगर आप कोलकाता को दिल से जानना चाहते हो, कोलकाता को अंदर से फील करना चाहते हो, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा लोकल से, ट्रैवल करना पड़ेगा तो लोकल पीपल जैसे ट्रैवल करता है. और दोस्तों कोलकाता में दो पार्ट है, एक है साउथ कोलकाता है, दूसरा है नॉर्थ कोलकाता. एक्चुअली साउथ और नॉर्थ को जुड़ते हैं कोलकाता मेट्रो. इंडिया में तो भी बहुत जगह पे बहुत शहर मेट्रो है, दिल्ली मुंबई, बट इंडिया में पहला जो मेट्रो इंट्रोडक्शन हुआ था वो भी कोलकाता से हुआ था आज से बहुत साल पहले. और कोलकाता को नॉर्थ और साउथ कोलकाता को जो जुड़ता है मेट्रो, मीन्स अगर आधा घंटा 40 मिनट के अंदर इस शहर के एक तरफ से दूसरे प्रांत तक आप पहुँच सकते हो बाय द कोलकाता मेट्रो. और मेट्रो फेयर भी बहुत ही सस्ता है, 15 रुपये 20 रुपये के अंदर आप पहुँच जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन. अगर आप चलते चलते भूख लगे, कोलकाता में खाने पीने का तो प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीट फूड का स्टॉल आप हर जगह मिल जाएगा. बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है कचौड़ी, मीन्स 4-5 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगा कचौड़ी. आप देख सकते हो मैं भी थोड़ा सा घूमते कर चुका हूँ, एज अ बजट ट्रेवलर आई हैव टू मेक सम प्लान अबाउट द फूडिंग ऑल्सो. सो 5-10-20 रुपये के अंदर ट्रांसपोर्ट खर्चा और 5-4 रुपये में कचौड़ी का खर्चा. खाने के बाद नाउ आई एम मूविंग फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन गाइज. द बेसिक थिंग इज वॉट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट घूमना दैट इज अ पैशन ऑफ द ऑल इंडियंस, बट द प्रॉब्लम इज अबाउट बजट. सो इफ यू आर प्लानिंग योर बजट ट्रिप, सो यू आर वेलकम इन दिस सिटी, दिस वेरी यू नो जस्ट लाइक वेलकमिंग सिटी, यू विल गेट ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज ओवर हियर बट इन योर बजट. सो शहर में तो बहुत जगह है घूमने के लिए, विक्टोरिया, इको पार्क, निको पार्क, नंदन, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेसेस इन दिस सिटी. बट द थिंग इज दैट थोड़ा सा खांसी भी शुरू हो चुका है फॉर दिस यू नो हैविंग दिस काइंड ऑफ स्पाइसी फूड्स एंड ऑल. ओके फाइन, बट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट अप्रोच दैट इज कैसे आप प्लान करोगे. शहर में आप आ सकते हो, खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू कट इट, इट विल बी देयर रॉ फुटेज. बिकॉज एक शहर को अगर आप दिल से जानना चाहते हो, आपको ऐसे ही घूमना पड़ता है मेरे दोस्त, आपको ऐसे ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है अली गली. आप देख सकते हैं आई एम गोइंग फ्रॉम द लोकल कोलकाता कल्चर को देखते हुए.
I'm not saying that you will get the very high profile thing, you will get the very beautiful places like New York City and all the stuffs, but despite of that, this city has the life, this city has the awesome lively attitude. It's called, iske liye Kolkata ko bola jata hai city of joy. और खाने के बारे में दैट आई टोल्ड यू दैट इज़ वेरी चीपेस्ट. मेरा ये दो कचौड़ी का प्राइस पड़ा ओनली 10 rupees 5 each. आप दो खा सकते हो, दो पाँच खा सकते, इज ऑल अप टू यू, बट आई एम नॉट सो मच हंग्री. मैं आपको दिखाने के लिए खा रहा था. सो 10 rupees के अंदर हो गया खाना. घूमो, खाओ, इन्जॉय करो इस ब्यूटिफुल शहर को. अभी तक मेरा 100 rupees खर्चा नहीं हुआ. सो सुबह से घूम रहा हूँ एकदम बजट ट्रेवलर के जैसा. तो दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी. अगर नेक्स्ट कोई जगह प्लान कर रहे हो देन वाई नॉट कोलकाता. ट्रस्ट मी, अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल पीपल जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइज. सो चलिए एक बार घूम लीजिए कोलकाता को. ट्रस्ट मी, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस सिटी. सो गाइज, वी ब्लॉग को यहाँ पर ही खत्म करते हैं. ब्लॉग को अगर अच्छा लगा तो लाइक दबा के जाइए. अगर आप कोलकाता से हो, बंगाली हो, तो लाइक तो दबा के दीजिए, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू वेलकम द लॉट ऑफ टूरिस्ट टू कम इन दिस सिटी. तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.